बेफिक्र रहिए, आपका क्या भी मामला रहें आप मेरे को मेरा नंबर लीजिए आप, मैं इंशाल्लाह आपके पास पहुंच जाता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, कारोबार कीजिए, किसी को तकलीफ नहीं हुए सर का कीजिए, होता है आपको यहाँ से कुछ भी कोई भी आ रहा है, कोई डिपार्टमेंट का आ रहा है तो भी मेरे को डायरेक्ट फोन कीजिए, आपका छोटा भाई है पहुँच जाते हैं। मैं अगर गुलबर्गा में नहीं हूँ तो हमारे पार्टी के लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, मैं हूँ आपके साथ। आपको हाथ भी हो आपका साथ भी होगा। मारा था तेलंगाना में DRS, कर्नाटका में JDS, रीजनल पार्टी, नो कांग्रेस नो जो है ना बीजेपी, रीजनल पार्टी जो है ना भाई बहुत अलग रहता भाई, रीजनल पार्टी का जो है ना वजन अलग रहता है। साथ देना सब इस बार इंशाल्लाह, आप अगर साथ देते हैं हमारा साथ देना, हम आपका साथ देना, बेशक जब तक है आपके साथ रहेंगे, आपकी आवाज बनकर असेंबली में भी गूंजेंगे, रोड पे भी उतरेंगे। पॉलिटिक्स हमारे सामने क्या भी नहीं है, हम विपरीत आदमी हैं, जबान दिए खलास हुई बात है, भारत की जबान है, हमको तो फखर है, मालूम ही चला तुम्हारे को 15 साल से बैठते थे। ठीक है, वादा है साहब, बिल्कुल वादा है, मेरे को एक मौका, मेरे को एक बार मौका दीजिए, मौका देकर 40 साल से एक ही घर में आप दे रहे हैं, 5 साल की उनकी खामोशी भी आप देखिए, मेरी जुस्तजू भी देखिए, आज आगे आने वाले माहौल और संगीन होने वाले हैं, और बहुत से सवाल आने वाले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, NRC का मामला भी पेंडिंग है, ऐसे बहुत से मामला अभी पेंडिंग है, आपके लिए आवाज़ बनकर ठहरूंगा, आपको कभी कमजोर महसूस होने नहीं देता इंशाल्लाह, साथ दीजिए खुल के साथ, कामयाब हो गए समझो, आप वादा है आपका, बिल्कुल वादा है, मेरे को अगर वायदा करते हैं साथ देने का तो आगे पहल करते हैं, मुलाकात करनी है, आप लोग वायदा करते हैं साथ देने का, बोलता हिम्मत कर सकते हैं, वरना मतलब नहीं है, खुशी की बात है, साथ देते बोलते फिर तो इलेक्शन मिलती थी नहीं, मोनू चुनाव ने उत्तर मत क्षेत्र सरकार आएगी, सरकार माड़ा ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಾಯ್ದಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೀ बराबर लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं, हालात देख रहे हैं, 2 इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं आ रही, हर चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है, आप सब लोग साथ देते बोले तो कोशिश करें, आ गए आप सब मिल रहे, आप सत्य नम जो कटोर नम हेल्प मैडम सत्य स्वल्प न्याय मारते सर्विस हम सरकार है, अब साथ देने का वायदा करें तो ठहर तो वायदा है, ठहरना नहीं चाहूँगा, 2 इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं आ रही, हर मामले में बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे, लड़ रहे, आप सब साथ देते बोले तो हिम्मत करने में मतलब है, वरना मतलब नहीं है, वायदा करना मेरे को वायदा है, आप वायदा करें तो हिम्मत से रहता हूँ, बिल्कुल वादा सा नहीं, मेरे बाद में उन्होंने घर में रहते हैं, हम रोटी नहीं, हमारा काम करने का रहता है, आप कौन है आवाज़ उठाने, इस बार हम पूरे मुसलमानों के जो रहबर हैं और उन्होंने ये काम आने वाले हैं, दूसरे कोई काम आने वाले नहीं हैं, ये हमारे साथ साथी हैं और साथ में रहते हैं, इसलिए उनको ही जो है ना इस बार जो है ना इंशाल्लाह हम उनको साथ देंगे और जो है ना अच्छे से ज़्यादा वोटों से जो है ना कामयाब बनाएंगे, ये हमारा वादा रहे इंशाल्लाह। इलेक्शन ठहरना नहीं ठहरना, आप साथ देते बोल तो आगे बढ़ सकते हैं, आप ही जीतेंगे,
आप साथ देने का वादा करना। आप पहल कीजिए। नहीं इंशाल्लाह, हमारी दुआएं भी साथ हैं। आप जितने लोगों को जोड़ सकते जुड़िए, बहुत सारे लोग तो मजबूरी भी है उनकी, थोड़े काम अटके रहे हैं, उनके चालीस साल से उनके ताल्लुकात हैं एक पार्टी के लिए, तो इसीलिए झिझक है। आप थोड़ा सा पहल कीजिए, इंशाल्लाह मैं आसानी से साथ देंगे। मेरे लिए क्या हुक्म है, बोलिए इलेक्शन आगे बढ़ो। हुक्म ने मैं ये चाह रहा हूँ, जितना आप एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए क्या बन सकता है, कुछ उलमा है, बड़े बड़े जो मुंडिया है भाई, क्या तो भी हो, कोई भी पार्टी हो, एक नुमाइंदा जो स्टेज का हीरो आज ये करके बोल सकते, आज हमारा है तो है ना। सब फिल्म सामने है साहब, हर एक की कोई छुपी भी नहीं है। आप देखिए हमारे पूरे पहली सब जो है 40 साल से एक पार्टी से वापस, क्योंकि उनके दिल में हम हैं। अरे नासिर अच्छा है हमारे बीच में, मगर उन्हें बोल नहीं सकते ना, पर कांग्रेस को छोड़ दिया पूरे खूबियाँ अल्लाह रखा है साहब। गगन के मामले में जो अंसारी ग्रुप है सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है, जो वो बैठने के लिए खाली थोड़ा जो आता था रक्षणा उसके लिए बैठ के सब बिगाड़े सब, नहीं तो किसी की मजाल नहीं दरगाह के पास आके जो है ना लगाने के लिए। क्या हम ठहरना सियासत में रहना बिल्कुल क्या छोड़ देना, वो तो नहीं ठहरना, बराबर ठहरना, कन्विंस करना है लोगों से। फिर 28-29 दिन और दिन में 5 घंटे लोगों को तो देखो हर लोग। नासिर हुसैन उस्ताद साहब हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं सर, और उनको जो है चुन के लाना आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है, यानी हर जगह काम कर सकते, सब कर सकते, वो लेडीज़ नहीं कर सकते सब काम, बाहर भी नहीं आ सकते ना किसी का काम कर सकते, तो उनसे मैं समझता हूँ 100% यू नो बहुत बेटर हैं, तो इनको ही चुन के लाए थे, इनको काम कर सकते हमको उम्मीद है, और जो है इन्हों ही आना मेरे हिसाब से, सब लोग इनको चुन के लाना ये हमारा ख्वाहिश है। फिरते ना तो हर जगह फिरते फिर के जो काम करते हैं, जाना कहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जाना अटेंड करना तो काम होता, वो मैडम जो है आते उन्होंने आते ना करते, उन कब बाहर आना कब बोलना हो नहीं बोल सकते हो। तो इस बार आपका सपोर्ट नासिर बिल्कुल सर, मेरी पूरी फैमिली का मैं बुरा मैं मन बना लिया हूँ, मैं मस्जिद में जो भी जाता हूँ मैं उनका ही नाम लेके बोलता हूँ कि भाई हमारा एक लीडर बोले तो उनको लाओ, क्योंकि नौजवान हैं और जो अच्छे आदमी हैं, और उसके हिसाब से जो वो लेडीज़ से तो बेटर सब, मैं बोलने का क्या है, आदमी लोग जो कहीं भी आ सकते काम करा सकते, क्या भी हमारा प्रॉब्लम आया तो जो उनके पास जाके हम बोल सकते, उन्होंने भी बेचारे जो बहुत अच्छे हैं, हम उनका देखे 4-5 साल से देख रहे हम बिल्कुल आते काम करते, इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि भाई उन्होंने चुट के आना करना आप सब लोग। अरे पहचान वाली साहब के जमाने से नहीं बोल रहे हो भी मतलब आपका जिक्र निकाल रहे बार बार, ये बार तो डिसाइड ही हमारा सेहत बरेगा पूरा जो है ना, आपको सपोर्ट करेंगे। मार्केट में बैठे हुए आपको कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है, सारे हालात देख रहे हैं, थोड़ी सी मैं जैसा हिम्मत करता हूँ हर चीज़ में आगे बढ़ता हूँ, अब एक इलेक्शन तक सब लोगों को बोलने की हिम्मत, वादा है आपका बिल्कुल बिल्कुल सब साथ है, पक्का साथ लोग आपके दोस्त रिश्तेदारों को सबको बोलना, 550 है घर छोटा मेरे मेरे खुद के घर के मेरे जो बिरादरी है 550 होते टोटल डब्बे में केक। आप मेरे साथ वोट दीजिए, आपके दोस्तों को घर वालों को बोलिए इंशाल्लाह जो है। साहब मैं तो चाह रहा हूँ कि हमारे कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स का जो हमारे 25 साल से सरपंच है उनका काम हो गया तो बहुत बड़ी बात है, और साहब इंशाल्लाह आपको हमारे से जो भी मदद चाहिए जो भी बोलो हम काम करेंगे। 300 आदमी की गारंटी मैं लेता हूँ आपको, 300 दुकान वालों के पीछे 900 लोग हैं, 900 बोलना शुरू कर जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोल सकते हैं बात कर सकते हैं अभी से शुरू करे थे इंशाल्लाह। क्या भाई को क्या बोलना, आप सब लोगों को अभी से बात करने का शुरू करना तो चालू है इंशाल्लाह, पूरा ग्रुप तो
वायदा है आप लोगों का, पल का पूरा आपके फेवर में चल जाए इंशाल्लाह। क्यों वहाँ आपके सर की तो कोई है नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप अपने दिल में रख ले बेटे तो नहीं, आप लोगों को बात करके नए नए लोगों तक बात पहुँचाओ। मैं इंशाल्लाह पूरी रहेंगे, वायदा है ना, इंशाल्लाह 100%। क्या भाई इंशाल्लाह, अरे ये क्या बात है, बोलेंगे नहीं है, हम खुद करेंगे सर, वादा है आपका बेशक। अरे ये बार उस्ताद कुछ डालना, देखो उड़ बोल के बोल दिया सिराज भाई, सिराज भाई जो बोले वही डब्बों में जो मामला है, जरा कोशिश करे तो हो जाता। ठीक है, साथ देना है इंशाल्लाह, जरूर आपको वादा है, आपका साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह, जरूर आपका देंगे साथ इंशाल्लाह। आपके घर में अड़ोस पड़ोस दोस्तों को सबके सामने बात करना शुरू करना है। ठीक है इंशाल्लाह, खामोश नहीं मिलना जरूरी, अब तो खामोश बढ़ने का टाइम नहीं है सबसे। वादा है आपका इंशाल्लाह, आपको देंगे वादा है। अभी से सब लोगों को बात करने का एक वादा करो, मैं आपको ही देना है, आपका एक वोट नहीं, आपके दोस्तों को रिश्तेदारों को सबको अभी से मेरे को बात करते बोल के मेरे को वादा करो। हाँ बात देखिए, हालात सब देख रहे हैं क्या, भी अच्छे बुरे में आपके साथ रहता हूँ। रहती से आप अपोजिट रह कर इतना काम करते हैं तो फोर महीने पर कितना नहीं करेंगे इंशाल्लाह। वक्त पे साथ देने वाले का ख्याल करना है, वो मैंने और क्या भी नहीं, दूसरा क्या हुए हर टाइम साथ दिए उस वाले, आप तो बोलना तो नहीं सकते, आपका ही काम करना है। मीडिया में बोल रहे हैं दोस्तों, में उठूँ जहाँ में बैठ रहा हूँ जाम हो गया बोल रहे हैं मीडिया में, बात इंशाल्लाह जरूर जिताएंगे, मेरे को वायदा कीजिए आप साथ देंगे और आपके दोस्त अब रिश्तेदारों को भी बोलेंगे अभी, वायदा है बिल्कुल। शुक्रिया, तो साइश है कि जो है साथ दिए, सबसे पहले ताइफ का ऐलान भी आप लोग ही कर रहे हैं और इलेक्शन इंशाल्लाह जीतने के बाद भी सबसे पहले आपके पास ही, सबसे पहले आपके पास ही चाहिए इंशाल्लाह। यह क्या है, इसमें जो है ना अच्छा सॉलिड आदमी होना चाहिए, की जो है सो आदर्श उतने पावरफुल नहीं है, चुप एक नाम के ऊपर जो हमें आ रहे हैं बस। शुक्र भाई दुआ कीजिए हमारा, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, हालात सब देखें, जीतने वालों की खामोशी भी देखें, हम हारने के बाद हमारी जिस्मी भी देखें, फायदा कीजिए साथ देंगे। अरे बिल्कुल साथ देंगे, हाँ ठहरते साहब के साथ, साहब का कार्ड है, साहब के साथ लेना है, हमको खुशी है, एक मौका देना है इंशाल्लाह। कोविड का दौर याद करें तो हमको शानबाग के दौर में धरना दाल के नीचे बैठे हमारे को, हम फुले साहब के पीछे थे, नासिर साहब के, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले पल में हमारे साहब को है ना अल्लाह एक मौका देंगे MLA बनने की, एक तौफीक दे बस, ये पूरे भाइयों की दुआ है। अल्लाह ही बरकत हो, मैं मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, मैं है ना यही कहना चाहता हूँ भाई कि पूरे गुलबर्गे की अवाम उन्नास को, मेरे मुसलमान भाइयों को, जो हिंदू भाइयों को, कि नासिर साहब को एक मौका दें, इंशाल्लाह आने वाले पल में, आने वाले दिनों में MLA बनेंगे और कोविड के मामले में है ना हर मामले में आगे आए सो हैं, हम देखे सो हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट 2023 के MLA इंशाल्लाह नासिर उस्ताद साहब बनेंगे। जज्बात में मैडम को लगे लेकिन हालात नहीं, इसे पाँच साल देखे, इसके बाद में भी और बहुत से हालात, बहुत से सवाल आते हैं, असेंबली में बात करने की ज़रूरत है, जिनको करना नहीं आती वो लोगों को तुम असेंबली में मतलब नहीं रियासत भी समझना है, सामने वाले के बातों का जवाब भी देना है। हाथ को हाथ भी हो उस्ताद का साथ भी हो, कभी मारा था अब ने आप तो जाना नहीं पुराने घर वालों को फिर मैं साहब को इससे पहले बोला तेलंगाना में DRS, कर्नाटका में JDS, रीजनल पार्टी नो कांग्रेस नो जो है ना BJP, रीजनल पार्टी जो है ना भाई बहुत अलग रहता भाई, रीजनल पार्टी का जो है ना वजन अलग रहता है। जी जलील बेकरी, हाँ दो कदम आप अंदर, अरे बिल्कुल ऐसा समझ इस तरफ आई क्या आपसे क्या बोलना है, बोलाने दोनों इलेक्शन में जिंदाद काम किया गया, बस इस बार आप भी थोड़ा सा इंशाल्लाह दुआ में शामिल हाल दुआ में आपका कीमती वक्त ले रहा हूँ, दुआ की दरख्वास्त इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी।